दोस्तों, चींटी शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? क्या आप भी एक छोटे से प्राणी की कल्पना अपने मन में करने लगते हैं, जिसे कभी आपने आराम करते हुए नहीं देखा? इधर से उधर अपने मुंह में कुछ दबाए भागती है ये चींटियां, हमारे आसपास आसानी से देखने को मिल जाती है, लेकिन इसके बावजूद हम इनकी दुनिया से पूरी तरह अनजान है। हमारे पर्यावरण में ये नन्हे सिपाही अपना बड़ा योगदान निभाते हैं। और ये भी सत्य है कि बिना चींटियों के धरती पर सभी का जीवन चक्र चरमरा जाएगा। तो चलिए, आज हम इस वीडियो के जरिए आपको चींटियों के कुछ रहस्य के बारे में बताएंगे। दोस्तों, चींटी को संसार का सबसे छोटा प्राणी माना जाता है, लेकिन इनकी अपनी कुछ विशेषताएं भी है। इनका अपना संचार अपने आप में कम विचित्र नहीं है। शायद आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया में 15,000 से भी ज्यादा अधिक किस्मों के अनोखी चींटियां पाई जाती है। रूस के साइबेरिया में आधा इंच लंबी उड़ने वाली नीले रंग की चींटियां पाई जाती है, जो कि अक्सर मीठे मीठे फलों का रस चूसती रहती है। अमेरिका के उत्तर रेगिस्तान में काले रंग की ऐसी जहरीली चींटियां पाई जाती है, जिनसे विष का निर्माण भी किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में फेरिस की जाति की लाखों चींटियां अपने समूह में रहती है। दरअसल ये नशाखोर होती है, ये नशे के पीछे अपना सब कुछ बर्बाद कर लेती है। हाँ, इन चींटियों को पियक्कर नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इन पियकर चींटियों का नशा भी अजीब होता है। अफ्रीका की वादियों में गैब्रिला नाम एक्वाडोर नस्ल का एक कीड़ा पाया जाता है। ये लाल कलर का होता है तथा इसका शरीर बिल्कुल चिकना होता है। चींटियां जब इसके बदन को काटती है तो इसके बदन से एक खुशबूदार केमिकल रिलीज होता है। इस खुशबूदार केमिकल एक तरह का नशा होता है। ये खुशबूदार केमिकल एक तरह का नशा होता है, जिसे ग्रहण करके चींटियां अपनी मस्ती में मस्त रहती है। दोस्तों, आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये चींटियां इस कीड़े को अपने बिल में खास मेहमान बनाकर रखती है। उसके खाने खुराक की विशेष देखभाल करती है, यहाँ तक कि उसके बच्चों की भी देखभाल करती है। इस आदर सत्कार के बदले ये कीड़ा चींटियों को जब भी आवश्यकता होती है तो उनका प्रिय ड्रिंक प्रदान करता है। ये मीठा नशीला ड्रिंक इस चींटियों को इस कदर भाता है कि ये अपने रोजमर्रा के कार्य भी भूल जाते हैं। यहाँ तक कि इनके स्वयं के अंडे बच्चों की देखभाल का काम भी नजरअंदाज कर जाती है। अपना सारा समय वे कीड़े की सेवा में उसके आसपास ही डोलते रहते हैं। दोस्तों, इस तरह की सफेद चींटियां ऑस्ट्रेलिया के पर्वतों पर मिलती है, लेकिन ये जहरीले जीव जंतुओं का खून चूसकर नशा किया करती है। मेडागास्कर में 3 इंच लंबी चींटियां घने जंगलों में वृक्ष के खोखले हिस्से में पाई जाती है। ये किसी भी सोते हुए पक्षी पर एक साथ हमला करती है, फिर उसके जिस्म का पूरा खून चूसकर ही दम लेती है। खून चूसने के उपरांत ये चींटियों को एक तरह का नशा चढ़ जाता है और ये अपने स्थान पर आकर 2 से 3 दिन तक बेहोश पड़ी रहती है। नशा उतरने के बाद ये नए शिकार की तलाश पर चली जाती है। कोमाड़ा द्वीप की चींटियां तो बड़ी खतरनाक होती है। जब ये अपने विशाल झुंड में होती है तो बड़े से पेड़ को भी काट डालती है। प्रकृति के लिए ये चींटी कैंसर का काम करती है। यहाँ के आदिवासी इन चींटियों के हमले से बचने के लिए बंदर पाल कर रखते हैं, क्योंकि ये बंदर इन चींटियों को बड़े चाव से खाना पसंद करते हैं। दोस्तों, अगर आपने नोटिस किया हो तो चींटियों की आंखें होती है, लेकिन आपको बता दें कि ये आंखें मात्र दिखावे के लिए होती है। चींटियां अंधी होती है, उन्हें दिखाई नहीं देता। ऐसे में जब ये खाने की तलाश में निकलती है तो इस समूह की रानी खुद से फेरोमोनस नाम का एक केमिकल छोड़ती है, जिसकी गंध के हिसाब से बाकी चींटियां उसे फॉलो करती है। यही कारण है कि सभी एक कतार में चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि चींटियों की आंखें नहीं होती, उसी तरह उनके कान भी नहीं होते और साथ ही इनके फेफड़े भी नहीं होते। सांस लेने के लिए उनकी बॉडी पर छोटे छोटे होल होते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि चींटियों की आंखें नहीं होती, उसी तरह उनके कान भी नहीं होते हैं, साथ ही इनमें फेफड़े भी नहीं होते। सांस लेने के लिए उनकी बॉडी में छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिनके जरिए वे ऑक्सीजन लेते हैं। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताएं, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।